नमस्कार दोस्तों, मैं मोहरा जवाड़े। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ किन किन स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट और ये चार्ट डेली का है। काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है 18,000 के ऊपर। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, यहाँ क्लोजिंग दे चुका है आज। और इसी तरीके से देखें तो आपका बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक हो रहा है अभी, या यूँ कहें कि बैंक निफ्टी किसी चीज का इंतजार कर रहा है। और सबसे इंपोर्टेंट क्या है कि 3 तारीख को हमारा आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आएगा और 2 तारीख को फेड का आएगा। तो 2 और 3 वैसे भी काफी वोलेटाइल डे हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से फेड का आएगा, जैसे 0.75 बेसिस ये बढ़ने का हर लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर इससे ज्यादा होगा तो मार्केट ज्यादा पैनिक होगा, और अगर इसे थोड़ा बहुत कम रहता है या इतना रहता है तो उतना ज्यादा पैनिक हमारा मार्केट स्पेशली नहीं होगा, डाउ भले हो सकता है। डाउ में एक इम्पोर्टेंट है कि देखिए, वो आरएसआई में ओवरबॉट जोन में आ चुका है। ओके, अभी कंटिन्यू अपसाइड है, लाल ने काफी बड़ा मूवमेंट दिया है। एक पॉइंट आप लोगों को बताऊं, अनुभव के आधार पर इस कैंडल को देखिए, जब मार्केट लो बना रहा था सबसे पैनिक कैंडल था। ओके, और इस कैंडल को देखिए जब मार्केट हाई बना रहा था, या इस कैंडल को देखिए जब मार्केट हाई बना रहा था। तो जब मार्केट हाई बनाता रहता है या जब मार्केट लो बनाते रहता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, उस दिन ऐसा लगता है कि हे भगवान, आज दिन कैसे बीते, दिन कैसे खत्म हो। ओके, तो उस दिन समझिए कि मार्केट अब ना अपने लिए बॉटम बना रहा है। तो लास्ट डे फ्राइडे के दिन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो डाउ लगभग 900 पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग दिया था, 950 पॉइंट एटलीस्ट। ओके, तो ऐसा लग रहा था कि एकदम टॉप हो सकता है। तो ओवर बॉट जोन में भी है, मतलब आरएसआई में 70+ है। तो मुझे लगता है कि डाउ में इधर का शॉर्ट टर्म का टॉप लग सकता है। तो हो सकता है कि फेड के वजह से कुछ इसमें डाउनसाइड हमें देखने को मिले, ये थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। अगर ये जो ब्रेकआउट है, अगर ब्रेकआउट 3 या 3 तारीख के बाद आता है तो ये बहुत ही सस्टेनेबल होगा और हम लोग अपर साइड में इसका एक बड़ा टारगेट देखेंगे, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद। ओके, अभी तो आप इसका 41,800 का भाव देखिए कि 41,800 के आसपास क्या करता है। निफ्टी को देखें तो निफ्टी 18,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे चुका है, इसका हाई है 18,100। तो 18,100 को कल आप वाच कीजिएगा, 18,100 के आसपास मार्केट शायद ओपन होना चाहिए, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है। 40, 50, 100 पॉइंट तो गैप अप ओपन होना बहुत आम बात है, और अगर आप यहां से देखें तो एवरीडे मार्केट गैप अप ही या गैप डाउन ओपन होता है। अभी तो यहां पर लगातार गैप अप ओपन नहीं हो रहा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं। अच्छा, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था आप लोगों के लिए, लेकिन जो मैंने गाँव गया था, गाँव का वीडियो शेयर किया था मेरे भैया के साथ, आप लोगों ने बहुत लाइक किया, इसके लिए थैंक यू आप लोगों को। देखिए वीकली चार्ट में देखें फ्रेंड्स, तो बहुत ही पॉजिटिव वे में मार्केट मूवमेंट कर रहा है। ओके, निफ्टी इसके ऊपर ब्रेकआउट में फिर रेजिस्टेंस नहीं है, तो यही रेजिस्टेंस हमारा मिलेगा, मतलब इसका लाइफ टाइम हाई 18,600। ओके, तो 18,600 को ही हम लोग डायरेक्ट देखेंगे इसका रेजिस्टेंस अपर साइड में, अगर ये अप साइड ही कल मूवमेंट देता है तो। इसी तरीके से देखिए बैंक निफ्टी को, तो बहुत बढ़िया पर साइड वेज हो रहा है, और मुझे लगता है इसी तरीके से अगर साइड वेज हो जाता है वेल एंड गुड, और भी बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से देखें दोस्तों मंथली चार्ट, तो मंथली चार्ट में भी बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है एकदम। अगर आप इसको देखें तो अभी तक का हाईएस्ट क्लोजिंग है। ओके, और इसी तरीके से अगर आप निफ्टी में देखें तो निफ्टी भी अभी तक का हाईएस्ट क्लोजिंग, ये कंटिन्यू अपसाइड जाने की तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है एक बड़ा ट्रेंड हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में कल कैसे ट्रेड करेंगे। फ्रेंड देखिए, हायर एंड के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है, मार्केट इसी वे में कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। अगर आपको थोड़ा बहुत नीचे मिल जाता है या खुल के थोड़ा नीचे आ जाए तो आपको इस लेवल से ट्रेड बहुत बढ़िया बनेगा, मतलब लोअर लेवल से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है। ब्रेकआउट के आसपास मिलेगा, रिटेस्ट पॉइंट आसपास मिलेगा तो आपके लिए ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब अगर ये मिलना चाहिए 17,980 के आसपास तो ट्रेड आपके लिए बहुत बढ़िया है, इसी वे में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस लॉजिक को समझ लीजिए कि अगर मार्केट आपको इस भाव के आसपास मिलता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप 17,940 के आसपास कैसे डाल के इसमें कंटिन्यू का ट्रेड बना सकते हैं, फिर 18,050, 18,060 के आसपास का टारगेट आपके लिए होना चाहिए। ये हुआ नंबर वन। दूसरा ध्यान रखिए कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाएगा तो ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सेम कैंडल में जिस तरीके से ऐसा देख रहे हैं आप, एक दो कैंडल और कंटिन्यू ऊपर जा सकता है, फिर 18,100 के आसपास हम लोग शॉर्ट देखेंगे। 18,100 के आसपास अगर कोई बेरिश कैंडल मिलता है तो इंट्राडे में हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, वहां पर प्लानिंग करेंगे और 18,000 के आसपास का टारगेट रखेंगे, ये हमारा लॉजिक होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो ट्रेड हमारा बहुत बढ़िया बनेगा, तब तो हमारे लिए सोने पर सुहागा है। ओके, तो 18,020 के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, और यहाँ पर हम लोग 17,980 का हम लोग एसएल रखेंगे, मतलब 40 पॉइंट के एसएल, और टारगेट हमारे लिए 18,080, 18,090 के आसपास, मतलब 18,100 के आसपास का टारगेट हमारा होना चाहिए। तो इसे नजर रखिए।
देखिए 2-3 दिन से अगर आप बैंक निफ्टी को देखें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी का जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है ना, वो इसी रेंज में हो रहा है। मतलब 41,400 से लेके 41,000 के बीच में मार्केट ज्यादातर टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट निकल जाएगा तो ट्रेड आपको बहुत अच्छा दे सकता है। ओके, तो कल निकल जाए या परसों निकल जाए, जब भी निकले एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। कल भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं इंट्राडे में। ओके, छोटा स्टॉप लॉस डाल के हम लोग ट्रेड करेंगे इसी पॉइंट के ऊपर। जैसे इसके ऊपर निकलेगा हम लोग बाइंग करेंगे 41,350 के ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। 41,220 या 200 के आसपास कैसल डालेंगे, मतलब 120 से लेकर 150 पॉइंट के आसपास कैसल बन रहा है। फिर हमारा जो टारगेट बनना चाहिए इधर से, जैसे प्राइस एक्शन पैटर्न बन के निकल जाएगा तो 41,500 41,600 की तरफ का हमारा टारगेट बनना चाहिए। तो एक ट्रेड अच्छा हो सकता है अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो। बैंक निफ्टी फ्लैट खुल सकता है जिस तरीके से अभी एवरी डे का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी में अपसाइड का ट्रेड ज्यादा अच्छा बनेगा। देखिए, और अगर शॉर्ट सोचे तो शॉर्ट जब तक ये प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन नहीं करेगा आप शॉर्ट सोच नहीं सकते। ओके, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट नहीं देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड जा सकता है या फिर ये साइडवेज हो सकता है, तो ऐसा हम लोग कल प्लानिंग करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक्स में। पहला स्टॉक है एमसीएक्स, अच्छा ब्रेकआउट आया है और टॉप में इनसाइट के साथ क्लोजिंग दिया है। चलिए 5 मिनट के चार्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे हाई ब्रेकआउट करता है हम लोग बाइंग कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इनसाइड है। जैसे इस पॉइंट के ऊपर निकलता है हम लोग बाइंग कर सकते हैं इमीडिएट और इस लो का एसएल डाल देंगे। तो हमारे बाइंग लेवल होगा 1540 के ऊपर, स्टॉप लॉस 1530 का। ठीक है, तो 1540 के ऊपर बाइंग, 1560 का हमारा टारगेट होना चाहिए और 1530 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इस टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड करके जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है बोल्टास, शायद आप लोग पक गए होंगे बोल्टास के बारे में सुन सुन के। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसी तरीके से स्टॉक होता है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था आप लोगों को रिलायंस ने स्टील लोअर बॉटम से कितना बढ़िया मूवमेंट मिला। ओके, तो जब स्टॉक कोई बॉटम में रहा, देखिए यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं है तो बाइंग हो रहा है, तो लॉजिक समझ लीजिए। मैंने बोल्टास के बारे में आप लोगों को 2 पॉइंट बताया था, या तो हायर पॉइंट के ऊपर निकल जाए तो बाइंग कर सकते हैं, या फिर आपको 860 के आसपास मिल जाए तो बाइंग कर लो। अब 860 के आसपास देखिए लगभग 3 टाइम 4 टाइम हो गया है, जब भी भाव के आसपास आता है पहला ग्रीन कैंडल मिलता है, इसके बाद बाइंग होता है। आप इस भाव को वाच करिए, या तो ये स्टॉक 860 के आसपास में, माफ करना है गलत लिख दिया मैं, 860 के आसपास मिल जाए तो बाइंग कर लीजिए आप, क्योंकि यहां से स्टॉक नीचे नहीं जाता है। 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस या जो ग्रीन कैंडल बने उसका स्टॉप लॉस डाल के बाइंग कर लीजिए, या फिर ये स्टॉक इसके ऊपर निकल जाए, या फिर ये स्टॉक इसके ऊपर निकल जाए, आपको कोई ना कोई ट्रेड इसमें डालना पड़ेगा। एक दिन स्टॉक निकलेगा और बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा अपर साइड में, राइट। ऐसे बहुत सारे स्टॉक मैंने बताए हैं, सडनली याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन अगर आप वीडियो लगातार देखते होंगे तो जो बॉटम से स्टॉक हैं वो बहुत ही अच्छा अपर साइड में मूवमेंट दिए हैं। ओके, तो उन स्टॉक को पकड़िए, उन स्टॉक को देखिए, वो बाद में निकलता है। एक स्टॉक मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, एक मैं बॉस लिमिटेड आप लोगों को बताया था काफी दिन पहले। ओके, क्योंकि लोअर साइड से स्टॉक में शॉर्ट नहीं था, अब देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट आ गया यहाँ से। तो इसे थोड़ा समझिए कि जो बॉटम है ना, अगर वो शॉर्ट नहीं हो, मैं यहां पर बताया था ऊपर गया हमारा एसएल लग गया फिर नीचे आया, लेकिन इस पॉइंट के नीचे नहीं गया, तो ऐसे स्विंग में ट्रेड बहुत अच्छा बनता है। अब ये कंटिन्यू में निकल रहा है, अभी कंटिन्यू अपर साइड चला जाएगा तो ट्रेड बहुत अच्छा बनेगा। तो बॉटम से जो स्टॉक निकल रहे हैं, दो लॉजिक है कि कहां पर से लोअर बॉटम से बाइंग हो रहा है और टॉप से कहां पर शॉर्ट हो रहा है। तो जो टॉप से शॉर्ट हो रहा है उसे निकलने दीजिए, 15 मिनट के चार्ट उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो फिर आप ट्रेड लीजिए, या फिर बॉटम में आने के इंतजार करिए जहां से एवरीडे बाइंग हो रहा है तो वहां से बाइंग के बारे में सोचिए, वो ट्रेड आपका ज्यादा अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं गुजरात गैस, इसे भी देखिए आप डेली चार्ट में देखें तो बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, मुझे लग रहा है ये निकलना चाहिए, 1-2 दिन में निकल जाएगा स्टॉक, अगर निकल जाएगा तो ट्रेड आपको बहुत अच्छा देखे जाएगा। ओके, तो हम लोग इसे बाइंग करेंगे कल के दिन पे, अगर हायर पॉइंट के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, खुल के थोड़ा नीचे बह जाए तो भी चलेगा। 15 मिनट के चार्ट लगाया हूं मैं, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए एक तो इस बॉटम के आसपास बाइंग होना चाहिए, मतलब 510 के आसपास भी आपको बाइंग मिल सकता है, या फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर जाए तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 522 के ऊपर, 522 के ऊपर आपको बाइंग मिलेगा और आपका स्टॉप लॉस 515 का होना चाहिए। टारगेट निकल जाएगा तो 530 का आपको देके चला जाएगा, तो ट्रेड अच्छा बन जाएगा। 530 से लेकर 535 का भी टारगेट मिल जाएगा तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नजर रखिए गुजरात गैस में। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ये है कैनफिन होम, इस स्टॉक को भी नजर रखिए, और अगर आप डेली चार्ट में देखें तो बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। मुझे लगता है आजकल में ब्रेकआउट हो जाएगा क्योंकि कल का ट्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है अपर साइड में निकल जाएगा। ओके, तो नजर रखिए अपसाइड में निकलने की तैयारी कर रहे हैं, 15 मिनट का चार्ट लगा दीजिए, जैसे ब्रेकआउट आएगा हम लोग बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, टॉप से इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसे यहाँ तक। ओके, तो जैसे ब्रेकआउट आएगा इस लो का हम लोग एसएल डालेंगे और इसके ऊपर बाइंग करेंगे, तो हमारा बाइंग लेवल होना चाहिए अपसाइड में
525 के ऊपर, 525 के ऊपर बाइंग करेंगे, 520 का एसएल डालेंगे, 530 का पहला टारगेट, इसके बाद 535 का भी टारगेट हमें मिल सकता है। चूंकि ब्रेकआउट हो रहा है तो टारगेट आपको बड़ा मिल सकता है, ये ट्रेड आपका अच्छा होगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है आपके स्विंग के लिए, इसे नजर रखिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, काफी लोग कमेंट करते हैं सर स्विंग के लिए भी स्टॉक बताइएगा, इस स्टॉक को नजर रखिए, बॉटम पे है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया बॉटम फिशिंग हो सकता है आपका। ओके, तो ये स्टॉक में आपको बाइंग करना है इस पॉइंट के ऊपर, अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार हो सकता है इसके नीचे ब्रेकडाउन कर जाए, लेकिन 440 के नीचे शॉर्ट होगा, बट तब तक आप लोगों के लिए एक अच्छा ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओके, तो हम लोग इसे बाइंग करेंगे। अगर आप इसमें स्विंग में ट्रेड लेके जाना चाहें तो इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, राइट। तो 460 के ऊपर बाइंग बनेगा। स्विंग के लिए स्टॉप लॉस इसी लो का डाल दीजिएगा, क्लोजिंग बेसिस का। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आप कट कर दीजिएगा, मतलब 445 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड बनेगा। और अगर ये निकल जाता है तो कल भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, इंट्राडे में भी ट्रेड बन सकता है। ओके, लेना चाहिए इंट्राडे में ही। 460 के ऊपर निकल जाता है, क्लोजिंग दे देता है, आप लेके जाइए, लेकिन मॉर्निंग में लेना पड़ेगा। हो सकता है आप मॉर्निंग में छोड़ दिए कि क्लोजिंग के बाद ट्रेड लूंगा और क्लोजिंग दे दिया यहाँ, तो फिर आप ट्रेड नहीं, नेक्स्ट डे नहीं ले पाओगे। ओके, तो लेना चाहिए यहीं पर, और स्विंग के लिए स्टॉप लॉस डाल दीजिए यहाँ पर। ओके, 445 का, और टारगेट के लिए मुझे लगता है वेट करना चाहिए, इसका टारगेट बढ़िया बनना चाहिए। तो एक तो टारगेट आपका बन जाएगा इधर 480 की तरफ, इसके बाद टारगेट आपका बनेगा इधर 510 की तरफ। तो लॉरेंस लेब स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक अच्छा ट्रेड मुझे लगता है बन सकता है, इसमें आप नजर रख सकते हैं इस स्टॉक को, ब्रेकआउट करेगा बाइंग कर सकते हैं, बढ़िया बॉटम फिशिंग का स्टॉक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ही तक, एक मेरा नया चैनल है प्रो एक्टिव ट्रेडर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिसमें मैं लाइव मार्केट में कई सारे अपडेट आप लोगों को शेयर करता हूं, जिससे आप लोगों को काफी लाभ मिल सकता है, काफी आप लोगों को सीखने और समझने को मिल सकता है। आज भी मैंने जो पोजीशन एडजस्टमेंट किया उसके ऊपर शेयर किए हैं, कृपया आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।